नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश में जाने माने बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी 17.60 लाख रुपए में हुई है, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी नीलामी राशि है। 21 किलो वजन के इस लड्डू को खरीदने के लिए कई लोगों ने बोली में हिस्सा लिया था। इस बार पेशे से किसान और व्यवसायी कोलन राम रेड्डी ने सबसे अधिक 17.6 लाख रुपए की बोली लगाकर लड्डू को अपने नाम किया। 2018 में ये लड्डू 16.6 लाख में नीलाम हुआ था। 2017 में 15.6 लाख का बिका था। 1994 में बालापुर का लड्डू 450 रुपए में नीलाम हुआ था। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद की एक छोटे से गांव बालापुर में भगवान गणेश के लड्डू की बोली हर साल लगाई जाती है। 25 साल से ज़्यादा समय से यहां पर गणेश जी के लड्डू पर की बोली लगती है। हर साल की तरह गणेश की विशाल मूर्ति हाथ में लड्डू प्रसाद के तौर पर थमाया जाता है। ये लड्डू विसर्जन और शोभा यात्रा के दौरान गणेश जी के हाथ में रहता है। शोभा यात्रा के बाद बालापुर गणेश लड्डू की बोली शुरू होती है। ज़्यादा बोली लगाने वाले को लड्डू दे दिया जाता है। बोली लगने के बाद बालापुर गणेश लड्डू किसानों के बीच बांट दिया जाता है। हर साल लड्डू की नीलामी में लाखों लोग साक्षी बनते हैं। लोगों का मानना है कि जो भी भगवान गणेश का ये लड्डू खरीद पाता है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है और साथ ही उसके व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है। गुड मॉर्निंग टीवी की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के स्पेशल रिपोर्ट्स और आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब पर हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और फास्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। नमस्कार।